अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक पराठा। इसके लिए हमें आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। हमने 2 कप मैदा ले लिया है, इसे हमने अच्छे से छान लिया है। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टीस्पून चॉप्ड ग्रीन चिली। इससे बहुत अच्छा सा टेस्टी स्पाइसी फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इसकी जगह रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे, हमें इसका लिक्विड बनाना है। हमने 2 कप मैदे में 3 कप पानी ऐड किया है, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमें रनी कंसिस्टेंसी रखनी है। हमने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, चूल्हे को मीडियम हीट पे ऑन किया है। हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बटर, अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसमें पराठे का लिक्विड डालेंगे, तो हम 2 चमचे डाल रहे हैं और इसे हम फैला लेंगे ताकि पराठे गोल गोल बने। और 1 मिनट में जब इसका इस तरह से कलर चेंज हो जाए तब हम पराठे की साइड चेंज कर लेंगे। तो अब हम दूसरी साइड पे भी 1 टीस्पून बटर लगा रहे हैं और इस साइड से हम 1 से 2 मिनट के लिए पराठे को सेकेंगे ताकि पराठा अच्छे से सिक जाए। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है बटर, गार्लिक और ग्रीन चिली की, तो बहुत ही मज़ेदार ये पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे बनाने के लिए आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बेलने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इस पराठे को बहुत आसानी से बना सकता है। तो मज़ेदार सा गार्लिक पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ या फिर चीज़ डिप के साथ। तो बाकी के पराठे भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे पराठे तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छी तरह से सिके हुए हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जाने से पहले एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।